वाराणसी की जिला जज की अदालत में मुस्लिम पक्ष ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि जो ज्ञानापी के तहखाने पूजन हो रहा है उसे 15 दिन के लिए स्टे कर दिया जाए। इस पर आज कोर्ट ने सुनवाई की और फिर से 8 फरवरी की तारीख तय कर दी है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन जी हैं। मदन जी, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ बताइए। आज मुस्लिम पक्ष ADJ फर्स्ट के कोर्ट में, अनिल कुमार पंचम की कोर्ट में हम लोग गए और इस विषय पर ASI की जो कार्रवाई के तहत हमें आदेश मिल गया और वहाँ पे पूजा पाठ इत्यादि शैलेंद्र व्यास के प्रार्थना पत्र पे आरंभ हो गया। तो इसी पर मुस्लिम पक्ष आपत्ति कर रहा था। आपत्ति में उनका था कि मुझे 15 दिन का समय दिया जाए और अचानक आना सडन सब कुछ पूजा पाठ आरंभ हो गया, हमें अवसर ही नहीं मिला अपना पक्ष रखने के लिए। तो इस विषय पर सुनवाई करते हुए ADJ प्रथम ने ये बात कही कि ठीक है, आप अपनी बात तो कह लिए, जब हमारा पक्ष आया हिंदू पक्ष अपना बात रखा तो ये कहा गया कि जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट होते हुए हाई कोर्ट में कल ही सुनवाई नियत है तो इस विषय पर यहाँ कुछ कहा जाना, कुछ सुना जाना औचित्यहीन है, अतः इस विषय को यहीं विराम दिया जाए, कल की कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जाए, हाई कोर्ट में क्या होता है उस पर हम लोग ध्यान फोकस करें। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ठीक है, अब कल की कार्रवाई हो जाती है, उसका रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी तो 8 फरवरी की इस बार पुनः सुनवाई होगी। फिलहाल मुस्लिम पक्ष को एक और झटका लगा है, अब 8 फरवरी तक ये जो 15 दिन की मोहलत मांग रहे हैं इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, इससे पहले हाई कोर्ट अपना रुख तय कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, News8 वाराणसी। वाराणसी के हिंदू पक्ष के वकील ने जिला अदालत में एक प्रार्थना पत्र दायर किया जिसमें ज्ञानवापी के 2 और तहखानों के ASI सर्वे की मांग की। हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी से हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने खास बातचीत की। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील अनुपम द्विवेदी जी हैं। अनुपम जी, अब आप लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया है, इसमें वजूखाने के सर्वे की बात कही गई है और इसके माध्यम से आप लोग चाहते हैं कि सच जो है और खुलकर बाहर आए। आज जो प्रार्थना पत्र है वो जो GPR सर्वे द्वारा, देखिए ASI ने एक डिटेल साइंटिफिक सर्वे किया, इसकी जानकारी आपको होगी। GPR सर्वे से कुछ और सेलर्स और तहखाने निकल के सामने आए हैं, तो इसलिए जो है उन जो तहखाने सामने आए हैं जो कि जिसमें SS नहीं हुआ है उसका ASI सर्वे करें, क्योंकि कंप्लीट एरिया का जो है सर्वे करने के लिए उन्होंने बात कही, तो इसलिए जो है उनका सर्वे करने के लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र डाला, क्योंकि उससे और भी क्लिंचिंग एविडेंस सामने आएंगे। वो एरिया जो है ना वो डोम के नजदीक है, तो इसलिए वहां से चीजें और कुछ सामने आने की प्रत्याशा हम करते हैं जो कि एकदम 100% हमें लगता है कि कंफर्म होगा। तो उसके सर्वे के लिए हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, कल की तिथि नियत है, ऑब्जेक्शन आएगा फिर आर्ग्यूमेंट होगा। वो जो खाने की भी सर्वे आप लोग चाहते हैं? वो तो चाहते हैं, वो तो देखिए प्रार्थना पत्र हमारा ऑलरेडी पेंडिंग है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में है, ये इशू नोटिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कर ही दिया है उसमें भी। यहाँ पर सर्वे होता है ASI का GPR के ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से, तो और क्या कुछ क्लियर हो सकता है, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखिए अगर उसमें हमको एंट्रेंस मिलता है और ASI वहां अंदर जाती है तो आप ये जान लीजिए कि बहुत हद तक आपको, मैं एक बात आपको बताऊं कि ASI का सर्वे रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह आपको मिलेगा सेमी प्रेशियस स्टोन। सेमी प्रेशियस स्टोन मतलब शिवलिंग, आप समझ रहे हैं बात को। सेमी प्रेशियस स्टोन या प्रेशियस स्टोन की 2 कैटेगरीज होती हैं, तो सेमी प्रेशियस और प्रेशियस का यहाँ वर्ड यूज किया जा रहा है वो शिवलिंग को दर्शाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि शिवलिंग का जो स्टोन होता है वो जो सेल्फ जनरेटेड होता है वो प्रेशियस के, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड उसको प्रेशियस और सेमी प्रेशियस की कैटेगरी में रखा जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, News8। ज्ञानवापी के ब्यासी तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद जिस तरह से पूजन अर्चन शुरू हुआ, इसके बाद काशी का मुस्लिम समाज इस फैसले को किस तरह से देखता है, इस मसले पर उनकी क्या राय है, इसे लेकर News8 संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने लोगों से बातचीत की। वाराणसी के ज्ञानवापी के तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजन अर्चन हो रहा है, ऐसे में जो दूसरा पक्ष है वो लगातार कह रहा है कि कोर्ट का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं तर्कसंगत नहीं है। हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से तहखाने में पूजन अर्चन की शुरुआत की गई कोर्ट के आदेश के द्वारा, आप लोगों का क्या मत है, आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए हम लोग का मत यह है कि पहले सबसे बड़ी चीज कानून व्यवस्था बना रहा है, गंगा जमनी तहजीब बना रहे, और मामला ये चूंकि कोर्ट का है, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रख रहे हैं,
अब कोर्ट जो आदेश देगा उसको पालन है, इसके पहले भी सारे मुसलमानों ने, सारे हिंदुस्तान ने किया, चूंकि हमारा सबसे जो हिंदुस्तान का जो कानून है उसको पूरे हिंदुस्तानियों को मानना है, हम लोग मानते हैं, सभी को मानना है। तो रही बात की वो भी अभी वो हाई कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में प्रतिक्रिया चलती रहेगी, बस हम लोग ये चाहते हैं अमनो अमान बनारस का बना रहे, गंगा जमुनी तहजीब बना रहे। जी मेरा नाम मुमताज बानो। मुमताज जी क्या सोचती हैं आप जिस तरीके से ज्ञानवापी का फैसला आया? मैं ये सोच रही हूँ जो ज्ञानवापी पे मामला आया है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ था तो ये कहा गया था कि चाहे वो मंदिर हो मस्जिद हो वो एक ही जगह रहेगा, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। तो मेरा मानना ये है कि शांति हमारे मुल्क में बनी रहे, आपस में हिंदू मुस्लिम में हम भाईचारा बना रहे, हम लोग की एकता रहे, तो आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग वैसे भी मुस्लिम जो भी कोर्ट है वो जो भी होगा वो कोर्ट फैसला करी, और उसपे तो हम लोग सब लोग ही अपने फैसले पे अमल कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। पहले 30 साल 31 साल पहले वहाँ पूजा हुआ करती थी, ये उस वक्त तो शायद मैं बहुत छोटा हूँगा, 4-5 साल का हूँगा, उस वक्त बताया जाता है कि पूजा होती थी, मुलायम सिंह यादव के जमाने में वो पूजा को बंद किया गया जैसे कि लोग बताते हैं। तो रही बात वहाँ पे मस्जिद थी और लोग अब कहते हैं कि भाई कोर्ट है जो अपनी फैसला सुनाएंगे उस पर हम लोग मानेंगे, जैसे आप हाल ही फिलहाल में जो बाबरी मस्जिद का आप लोग ने देखा, ये हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, लेकिन कोर्ट का जो फैसला है हम लोग ने उसको माना। क्या लगता है आपको जिस तरीके से ज्ञानवापी पर फैसला आया, तहखाने पूजन शुरू हुआ, कोर्ट पे हम लोग निर्णय आया, जो कोर्ट फैसला करेगा उसको हम लोग मानेंगे, बाबरी मस्जिद में भी माना गया, इसमें भी माना जाएगा, लेकिन अगला पक्ष मान नहीं रहा तो उसको भी तो कुछ मानना चाहिए। क्या चाहते हैं आप अगले पक्ष से? नहीं, अगले पक्ष को भी सबर होना चाहिए कि अगर कोर्ट फैसला दे रहा है तो उसको हम देखें। देखिए फैसला एक तरफा नहीं होता है और फैसला एक तरफा होगा भी नहीं, क्योंकि हमारा देश कानून से चलती है और कोर्ट से चलती है, तो अगर कोर्ट जो कहेगा और कानून के दायरे में रहकर कोर्ट जो कहेगा उसे मानना है और पूरे बनारस के लोग मानेंगे ही, क्योंकि हमारा देश में सारे लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, गंगा जमुना की तहजीब है। और इंशाल्लाह मैं दुआ भी करता हूँ, मैं चाहता हूँ बनारस के लोगों से कि ये तहजीब बरकरार रहे, किसी प्रकार का कोई कुछ ना हो, जो कोर्ट कहेगा उसे मानना है। आम आदमी यही चाहता है कि बनारस का अमन अमान बना रहे और यहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब वो बनी रहे, हिंदू मुसलमान जो मिलकर एक हिंदुस्तान को जब से देश आजाद हुआ हम मिलकर रहे हैं और रहते आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा भी है, उनका भी, सबका है, तो संविधान की रक्षा करना है, संविधान जो भी कहेगा, कोर्ट जो भी कहेगा, उसको सबको मानना है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है जो आप लोग पढ़ रही हैं देख रही हैं? देखिए मेरा मानना तो ये है कि हमारे बनारस में शांति बनी रहे और हम जैसे हिंदू मुस्लिम है सभी लोग, जैसे होली हो दीपावली हो हम लोग एक साथ मनाते हैं, तो बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आशा करती हूँ कि कोर्ट से जो भी फैसला आएगा अच्छा ही होगा और हमारे देश में जैसे शांति बनी है बनी रहेगी, जैसे हमारे बनारस में जैसे कि गंगा की आरती और हमारे बनारस की अजान, ये बनारस की बहुत ही अच्छी तहजीब मानी जाती है, तो ये हम बस यही चाहेंगे कि हाँ शांति बनी रहे हमारे बनारस के अंदर। पहली बात जो यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखे लोग, ये आपसी में पहले क्या था मैंने तो देखा नहीं, मैं तो नहीं जानता क्या था क्या नहीं था, मैं उस वक्त बच्चे था, लेकिन जो इतिहास है उस इतिहास को देखते हुए जो पुरानी जो देश जब आजाद हुआ था, जैसे कि मैडम ने बताया कि जहाँ पे जो चीज पहले से मौजूद थी अब उसको खंडित नहीं किया जा सकता, तो वो सारी चीजों को सोचना है एक बार, बाकी जो कोर्ट है जो फैसला देगी हम लोग उसको मानेंगे। आप क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का फैसला हम लोग मानेंगे। अब तो बनारस का जा रहा है, जो लोग जा रहे हैं तो कोर्ट भी तो आदेश दिए हैं कि आप अपना दाखिल कीजिए, तब उसमें कहा है कई इतराज है, तो भी दाखिल कर रहे हैं। तो बनारस का जो आम मुसलमान है उसके दिल में एक ही बात है कि हम संविधान की इज्जत करते हैं, कानून की इज्जत करते हैं और इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, और कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम सभी पालन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।